भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उपमंडल इंदौरा के तहत सुरड़वा दरिया के पास शरारती तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद से अज्ञात लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी रोष और गुस्सा है। स्थानीय निवासी ने बताया, एक युवक नदी में नहाने के लिए आया और जब नहाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गया तो वहां पर शिवलिंग खंडित पाया। युवक ने आसपास के लोगों को इस बारे में सूचित किया। लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष व गुस्सा है। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम सोमिल गौतम पुलिस के साथ खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम ने यहां पर लोगों की पूरी बात सुनी और लोगों ने बताया, अज्ञात लोगों ने शिवलिंग को खंडित कर उनकी भावनाओं को आहत किया है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए। शिवलिंग खंडित किए जाने से क्षेत्र में लोगों में रोष है। लोगों ने एसडीएम पुलिस से अज्ञात आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व मामले की पड़ताल करने का आग्रह किया है। इस घटना से हिंदू धर्म के लोगों में काफी आक्रोश है, लेकिन ये किसी नशेड़ी या शरारती तत्वों की ही करतूत है। प्रशासन इस घटना की काफी सख्त है। एसडीएम सोमिल गौतम ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस घटना में जो भी लोग संलिप्त पाए जाते हैं या जिनका भी ये काम है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बसख्ती से निपटा जाएगा। क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के कार्य को करने की इजाजत नहीं है। सभी को कानून के दायरे में रहना होगा। जो लोग एकत्रित हुए हैं उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, यहाँ पर सुरड़वा लंबी पटिया दरिया पर एक बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, दरिया में नहाने आते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की है। वरुण देवता का मंदिर है और उसके सामने एक शिवलिंग की स्थापना की हुई है। जैसे ही आज सुबह क्या नाम है, बेटे का नाम है दीप कुमार, ये यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने देखा कि शिवलिंग तोड़ा हुआ, किसी ने टूट के एक साइड में पड़ा हुआ है, तो इन्होंने इसकी सूचना अपने साथियों को दी और साथियों ने इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया है। जैसे ही शेयर किया हमारे को पता लगा है, मैं विश्व हिंदू परिषद विभाग चंबा का मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व था कि मेरे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है और मैं मौके पर आया हूँ। यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की है। स्थानीय यहाँ पर कुछ मुस्लिम गुज्जर समुदाय के लोग आसपास लैंड जिहाद करके सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और लगभग हर व्यक्ति का यही कहना है कि ये घटना को यही लोग अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इनके लिए ये एक मतलब रुकावट है, ये शिव मंदिर जो है। तो ऐसी ही एक घटना लगभग साल डेढ़ साल पहले इंदौरा में हुई थी। जी जी, तो उसके खिलाफ भी विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन दिया था। इसके विषय में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक साल पहले जो कुड़सा पंचायत में जो घटनाक्रम हुआ था उसके ऊपर ज्ञापन भी दिया गया था और प्रशासन के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उन लोगों पर अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना ही वहाँ पर जो अवैध मस्जिद और मदरसा बना हुआ है उसको गिराया गया, जबकि इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये मानता है कि वो जो भूमि जो है वो गौ माता की भूमि है और उसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करके इस मस्जिद को और मदरसे को बनाया गया है। तो प्रशासन ने आज तक उसको नहीं तोड़ा, उसी के परिणाम स्वरूप इन लोगों के दिल बढ़ते जा रहे हैं और ये लंबी पट्टियाँ में सुरड़वा की लंबी पट्टियाँ गाँव में जो घटनाक्रम हुआ है ये उसी के परिणाम स्वरूप हुआ। हम तो इसको उस एंगल से भी जोड़ के देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाता? प्रशासन की मैं समझता हूँ ऐसा कुछ उनकी राजनीतिक मजबूरियाँ हो सकती हैं, राजनीतिक दबाव हो सकता है प्रशासन के ऊपर या अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। हम आंदोलनरत हैं इस मुद्दे को लेकर। कुड़सा वाला मुद्दा भी हमारा अभी चला हुआ है, हम प्रशासन पर निरंतर दबाव बना रहे हैं कि उस अवैध ढांचे को वहाँ से गिराया जाए, हटाया जाए, वहाँ से जो गौ माता की अवैध भूमि उन्होंने कब्जाई हुई है उसको वहाँ से मुक्त किया जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए इंदौर से रमन कुमार की रिपोर्ट।